एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक तेज चीता और एक धीमा कछुआ रहते थे। दोनों की आदतें और स्वभाव बिल्कुल अलग थे। चीता हमेशा अपनी तेज गति की शेखी बघारा करता था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वो कछुए को धीरे चलने के लिए चिढ़ाता रहता था। कछुआ शांत और धैर्यवान था, लेकिन चीते की बातों से परेशान हो जाता था। एक दिन कछुए ने चीते को दौड़ के लिए चैलेंज किया। उसने सोचा कि ये चीते को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। चीता जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि कछुआ मजाक कर रहा है। उसने सोचा कि ये तो बड़ा मजेदार होगा। वो तुरंत मान गया। उसे यकीन था कि वो आसानी से जीत जाएगा। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। जंगल में इस दौड़ की खबर आग की तरह फैल गई थी। वो दौड़ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सभी जानवरों में उत्सुकता थी कि क्या वाकई कछुआ चीते को हरा सकता है। बंदर ने दौड़ शुरू करने के लिए झंडी दिखाई। सभी जानवरों की निगाहें दौड़ पर टिकी थीं। चीता बिजली की तरह दौड़ पड़ा। कछुआ धीरे धीरे रेंगता रहा। चीता बहुत आगे निकल गया और उसने सोचा कि अब आराम कर सकता है। चीता एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसे लगा कि कछुआ उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन कछुआ बिना रुके चलता रहा। कछुआ धीरे धीरे चीते के पास पहुंचा और उसे पार कर गया। चीता गहरी नींद में सो रहा था। कछुआ फिनिश लाइन के करीब पहुंच गया। सभी जानवर उसे देखकर खुश हो रहे थे। अचानक चीता जागा और देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के पास है। वो तेजी से दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ फिनिश लाइन पार कर गया और जीत गया। सभी जानवरों ने उसकी जीत का जश्न मनाया। चीता निराश हो गया, लेकिन उसने कछुए से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। धैर्य और निरंतरता से जीत हासिल की जा सकती है। चीता बहुत आगे निकल गया था। उसकी गति अद्वितीय थी और वह हवा से बातें कर रहा था। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। उसे यकीन था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वो सोच रहा था कि कछुआ कितना पीछे होगा। उसकी चाल धीमी और स्थिर थी, जबकि चीता बिजली की तरह दौड़ रहा था। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने दौड़ को बीच में ही रोकने का डिसाइड किया। उसे लगा कि थोड़ी देर आराम करने से उसकी जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा कि आराम करना अच्छा रहेगा। उसने सोचा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, दौड़ तो मैं आसानी से जीत ही जाऊंगा। कछुआ अभी तक यहां तक नहीं पहुंचा होगा। उसे नींद आने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वह गहरी नींद में सो गया। चीता सपनों में खो गया। उसे अपनी जीत के सपने आने लगे। उसे लगा कि वह विजेता है और सभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसकी नींद गहरी होती गई और वह खर्राटे लेने लगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कछुआ धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ कछुआ लगातार चल रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी दृढ़ता अडिग थी। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो धीमा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी मेहनत और समर्पण को दर्शाती थी। हर कदम उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा रहा था। वो जानता था कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी।
वो रुकता नहीं था। उसकी हर कोशिश में एक नई ऊर्जा थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वो धीरे धीरे लेकिन बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसकी चाल में एक निरंतरता थी जो उसकी दृढ़ता को दर्शाती थी। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा था। वो जल्द ही उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां चीता सो रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी मेहनत और समर्पण को दर्शाती थी। उसने चीते को सोते हुए देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी मेहनत और समर्पण को दर्शाती थी। उसने सोचा यह मेरा मौका है, मुझे अब और भी मेहनत करनी होगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसकी मेहनत और समर्पण को दर्शाती थी। उसने अपनी गति बढ़ाई और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। चीता गहरी नींद में सो रहा था। उसे सपने आ रहे थे कि वो दौड़ जीत गया है। उसे खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वो यह नहीं जानता था कि कछुआ उससे आगे निकलने वाला है। कछुआ चुपचाप चीते के पास से गुजर गया। कुछ देर बाद चीता उठा। उसने चारों ओर देखा। कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो मुस्कुराया और सोचा, मैंने कहा था ना, कछुआ अभी तक यहां तक नहीं पहुंचा होगा। वो इत्मीनान से फिनिश लाइन की ओर चल पड़ा। वो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचा, उसने कुछ अजीब सा देखा। कछुआ फिनिश लाइन पर था। सभी जानवर खुशी से चिल्ला रहे थे। वे कछुए की तारीफ कर रहे थे। कछुआ मुस्कुरा रहा था। उसने दौड़ जीत ली थी। चीता हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। चीता शर्म से सर झुका लिया। उसने महसूस किया कि उसका घमंड उसकी हार का कारण बना। उसने कछुए को कम करके आंका था। उसने कछुए से माफी मांगी। कछुआ विनम्र था। उसने कहा, गति के बारे में नहीं है चीता, यह दृढ़ता के बारे में है। धीमा और स्थिर दौड़ जीतता है। उस दिन चीते ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखा। उसने सीखा कि घमंड खतरनाक हो सकता है। उसने विनम्रता और दृढ़ता का महत्व भी सीखा। सभी जानवरों ने तालियां बजाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और दृढ़ संकल्प से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे